फूलन देवी किसी जमाने में दहशत का दूसरा नाम, कम उम्र में शादी, फिर गैंगरेप और फिर इंदिरा गांधी के कहने पर सरेंडर। इस दसी सुंदरी के डकैत बनने की पूरी कहानी किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। यूं तो फूलन देवी पर आपने बहुत कुछ पढ़ा, जाना, सुना होगा, लेकिन आज हम आपको फूलन देवी के बंदूक थमाने के पीछे की कहानी बता रहे हैं। जानिए बैंडेड क्वीन से सांसद बनने तक का सफर। फूलन देवी, जिसे बैंडेड क्वीन भी कहा जाता है, इसका जन्म 10 अगस्त 1963 को मल्लाह जाति में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के गोराह ग्राम में हुआ था। देवी दीन और उनकी पत्नी मूला की वह चौथी और सबसे छोटी बेटी थी। फूलन का परिवार काफी गरीब था। उनके पास केवल 1 एकड़ की जमीन ही थी, जिसमें बहुत सारे नीम के पेड़ ही लगे हुए थे। वे भारतीय परंपरा के अनुसार सामूहिक परिवार में रहते थे। परिवार में फूलन के पिता, उनके अंकल और भैया ही 3 मुख्य सदस्य थे। वे रोज अपनी जमीन पर कुछ न कुछ काम करते और मजदूरी करके जो पैसे मिलते उन पैसों से इतने बड़े सामूहिक परिवार का पालन पोषण करते। लेकिन 11 साल की उम्र में फूलन की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। 11 साल की उम्र में फूलन देवी को गांव से बाहर भेजने के लिए उसके चाचा मायादीन ने फूलन की शादी एक बूढ़े आदमी पुट्टीलाल से करवा दी। फूलन इस उम्र में शादी के लिए तैयार नहीं थी। शादी के तुरंत बाद ही फूलन देवी दुराचार का शिकार हो गई, जिसके बाद वो वापस अपने घर भागकर आ गई। घर आकर फूलन देवी अपने पिता के साथ मजदूरी में हाथ बटाने लगी। महज 15 साल की उम्र में फूलन देवी के साथ एक बड़ा हादसा हो गया, जब गांव के ठाकुरों ने उनके साथ गैंगरेप किया। इस घटना को लेकर फूलन न्याय के लिए दर दर भटकती रही, लेकिन कहीं से न्याय न मिलने पर फूलन ने बंदूक उठाने का फैसला किया और वो डकैत बन गई। फूलन देवी के साथ यह हादसा यही खत्म नहीं हुआ। इंसाफ के लिए दर दर भटकती इस महिला के गांव में कुछ डकैतों ने हमला किया। इसके बाद डकैत फूलन को उठाकर ले गए और कई बार रेप किया। यहीं से बदली फूलन की जिंदगी और फूलन की मुलाकात विक्रम मल्ला से हुई। फिर दोनों ने मिलकर डाकुओं का अलग गैंग बनाया। फिर फूलन ने अपने साथ हुए गैंगरेप का बदला लेने की ठान ली और साल 1981 में 22 सवर्ण जाति के लोगों को एक लाइन में खड़ा कर गोलियों से छलनी कर दिया। इसके बाद पूरे चंबल में फूलन का खौफ पसर गया। सरकार ने फूलन को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन यूपी और मध्य प्रदेश की पुलिस फूलन को पकड़ने में नाकाम रही। बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से साल 1983 में फूलन देवी से सरेंडर करने को कहा गया, जिसे फूलन ने मान लिया, क्योंकि यहां फूलन के साथ मजबूरी थी। उसका साथी विक्रम मल्ला पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। फूलन ने यूं ही सरेंडर नहीं किया, उसने सरकार से अपनी शर्तें मनवाई, जिनमें पहली शर्त उसे या उसके सभी साथियों को मृत्युदंड नहीं देने की थी। फूलन की अगली शर्त ये थी कि उसके गैंग के सभी लोगों को 8 साल से अधिक सजा नहीं दी जानी चाहिए। इन शर्तों को सरकार ने मान लिया था, लेकिन 11 साल तक फूलन देवी को बिना मुकदमे के जेल में रहना पड़ा। इसके बाद साल 1994 में आई समाजवादी सरकार ने फूलन को जेल से रिहा किया और उसके 2 साल बाद ही फूलन को समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का ऑफर मिला और वो मिर्जापुर सीट से जीतकर सांसद बनी और दिल्ली पहुंच गई। इसके बाद साल 2001 फूलन की जिंदगी का आखिरी साल रहा। इसी साल खुद को राजपूत गौरव के लिए लड़ने वाला योद्धा बताने वाला शेर सिंह राणा ने दिल्ली में फूलन देवी के आवास पर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद राणा का दावा था कि 1981 में सवर्णों की हत्या का बदला है। इस हत्या को कई तरह से देखा जाता है। कभी इसमें राजनीतिक साजिश की बू नजर आती है, तो कभी उसके पति पर भी फूलन की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगता है। फूलन देवी पर फिल्म बैंडेड क्वीन भी बन चुकी है, जिसे शेखर कपूर ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म पर फूलन को आपत्ति थी, जिसके बाद कई कर्ज के बाद फिल्म रिलीज हुई, लेकिन बाद में सरकार ने इस फिल्म पर बैन लगा दिया। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही नए मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि आपको मिलते रहे नए अपडेट्स हमारे नेक्स्ट वीडियो के। तो टिल देन, बाय बाय।